ध्रुव और तारा को क्या एक होने देगा सूर्य प्रताप? वेल दोस्तों, सोनी सब टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल ध्रुव तारा समय सदी से परे के आने वाले ट्रैक की कहानी में काफी सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, जहां आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य प्रताप जो है वो अब विलन बनने वाला है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं ध्रुव और तारा फिर से आमने सामने आने वाले हैं, लेकिन इनका मिलन इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब तारा और ध्रुव का बेटा शौर्य जो है वो बन चुका है देवगढ़ का वारिस, और वहीं पर भाबूसा का प्यार जो है वो भी तारा ने साफ देख लिया है। अब ऐसे में सूर्य प्रताप और भाबूसा शौर्य को इतनी आसानी से देवगढ़ से नहीं जाने देंगे। तो चलिए बताते हैं सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में और कौन कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं। वेल, सबसे पहले आने वाले ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से सूर्य प्रताप जो हैं वो काफी बौखलाए हुए हैं। उन्होंने हाथ में अपनी तलवार ले ली है और सबके सामने ऐलान कर दिया है कि जिसने उनके बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है वो उसे छोड़ेंगे नहीं। वहीं पर तलवार लेके वो निकलने वाले हैं, जहां पर तारा भी उनके पीछे पीछे अपना धनुष लेकर जा रही होती है। वहीं भाबूसा उसके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी और कहेंगी, इस घर की औरत की एक मर्यादा है और मैं तुझे उस मर्यादा को नहीं लांघने दूंगी। ये सारी बातें होती है जहाँ तारा परेशान है। तो वहीं पर ध्रुव पहुंच गया है उस जगह पर जहां पर शौर्य को वो गुंडे जो है परेशान कर रहे हैं। अब वहीं पर आप देखेंगे किस तरह से ध्रुव जो है शौर्य को गुंडों से बचा लेगा, जिसके बाद सूर्य प्रताप से होगी ध्रुव की मुलाकात। आप देख सकते हैं दोनों की मुलाकात हो गई है, जहां सूर्य प्रताप कहने वाले हैं कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है मुझसे। इसी बीच आप देखेंगे ध्रुव जो है उसको सांप काट लेगा, जिसके बाद ध्रुव पहुंचने वाला है अतिथि बन के देवगढ़ के महल में, जहां पर तारा जो है पहले तो वो शौर्य से मिलेगी, और जब दासियां उसे बताती हैं कि किस तरह से एक अतिथि आया है, और सम्राट सिंह ने भी कहा कि मैंने जान नहीं बचाई शौर्य की, शौर्य की जान हमारे अतिथि ने बताई है, तो कहीं ना कहीं तारा को शक हो गया है कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि ध्रुव ही है। अब ये सारी चीजें तो हो गई, एक और चीज आपको देखने को मिलेगी किस तरह से तारा ध्रुव एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं, लेकिन वहीं पर आपको ये भी देखने को मिलेगा किस तरह से जहां ध्रुव और तारा आमने सामने खड़े हैं तो तारा वहां पर छुपती हुई नजर आएगी। लेकिन तारा ऐसा क्यों कर रही है? क्या तारा को शक है कि सम्राट सिंह और भाबूसा उसे वहां से नहीं जाने देंगे? क्योंकि सीरियल के अपकमिंग ट्रैक की कहानी कुछ इसी से कनेक्ट होने वाली है, क्योंकि सम्राट सिंह का प्यार शौर्य के लिए हम देख चुके हैं और भाबूसा भी अब शौर्य को अपने परिवार का ही वारिस मानती है। वेल, आपका क्या कहना है सीरियल के अपकमिंग ट्रैक को लेकर? क्या ध्रुव और तारा अब कभी एक हो पाएंगे? कॉमेंट करके अपनी राय बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी फॉलो करें।